हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के फॉर्म के बारे में, जिसका फॉर्म कब तक आ सकता है। तो मैं अगर पिछले साल की नोटिफिकेशन की बात करूं, तो यहां पे पोस्ट अपडेट जो हुआ था, यहां पे 7 जनवरी को पोस्ट अपडेट हुआ था, 7 जनवरी 2021 को, ठीक है। और यहाँ पर 10+2 वाले के लिए फॉर्म है। तो इसमें जो फॉर्म के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन बिगिन 22/1/2021 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फॉर्म भरना। और लास्ट डेट था इसका, देखिए लास्ट डेट था यहाँ पे 7/2/2021 तक। ये पिछले साल की नोटिफिकेशन है। और इसमें जो एज लिमिट की बात यहाँ पे है, तो 16/1/2001 से 29/12/2004, ठीक है। ये सब फिज़िकल एलिजिबिलिटी है। ये हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम वेट 55 kg होना चाहिए। तो ये पिछले साल की नोटिफिकेशन है। और इस साल की नोटिफिकेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। अब यहाँ पे जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, टेक्निकल, एक्स ग्रुप टेक्निकल होता है और वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल होता है, ये आप लोगों को सभी को पता है। और एक्स ग्रुप के जो फॉर्म भरने के लिए, एक्स ग्रुप के फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। और ये वाई ग्रुप के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम के भर सकते हैं, सिर्फ 50% मार्क होना चाहिए और 50% इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये पिछले साल की नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताया। तो और इस साल के नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रोम खोलना है और क्रोम में टाइप करना है CASB, यानी कि सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। ये एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के दौरान मैं आपको उसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें जब मैंने नोटिफिकेशन में जब खोला, तो इस नोटिफिकेशन में 2022 के फॉर्म यानी कि इंडियन एयरफोर्स, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मैंने यहाँ पे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सिलेक्शन टेस्ट ऑफ फॉर एयरमैन रिक्वायरमेंट ऑफ अनमेरिड, ठीक है, अनमेरिड मेल सिटीजन्स ऑफ इंडिया नेपाल, ठीक है, अनमेरिड यानी कि शादीशुदा होना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें तो नहीं बताया गया है अभी तक कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तो आज तक का वीडियो यहीं तक ही रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अगली वीडियो किस चीज़ पर बनानी है। धन्यवाद।